अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो आज काफ़ी दिन के बाद जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है वो व्लॉग नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि अभी जो है वो काफ़ी जो है मैं परेशानियों से जा रही थी, बहुत ज़्यादा मसले थे, और जो है वो आपको किसी दिन बताऊंगी एक दो दिन के बाद। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे खेल रहे हैं और भाई जो है वो भाई के साथ खेल रहे हैं, भाई के साथ जो है मस्ती कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग में, मैंने कहा चलो आज बहुत दिन हो गए, हाँ आज क्या है 17 रोज़े हो चुके हैं, माशाल्लाह रमज़ान कैसे चला गया। हाँ तो 17 रोज़े हो गए तो पता ही नहीं चला, माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान इतना तेज़ी से गया और रोज़े में पता ही नहीं चला। तो मैं इस वजह से व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं, आपको जैसे मैंने बताया था कि बच्चों के टेस्ट हैं। चलो बैठो। तो मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पर, और अम्मी के घर में आ गई थी रोज़े से पहले, तो मैं उस टाइम पे कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि अम्मी के घर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो इस वजह से लाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है यहाँ पर, तीन चार घंटे लाइट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो है अभी लाइट आई, आपको पता है रोज़ा जैसे ही अफ्तार होता है फौरन लाइट चली जाती है, 8 बजे जाती है और 10 बजे आती है, 10 बजे भी नहीं आई, 10:30 बजे आई, और फिर अभी जो है वो 11 बजे चली जाएगी तो फिर आएगी 1 बजे। बहुत ज़्यादा लाइटें जा रही है यहाँ पर, मेरे घर पर नहीं जा रही। तो मेरा ये रीज़न था कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि आपको पता है मैं जब बच्चों के अभी टेस्ट चल रहे हैं, अभी पेपर नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं, और टेस्ट में क्या मसला है, बच्चों की वजह से मैं जो है वो जागती रहती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ कभी 1 बजे, ठीक है 12:30-1 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं नहीं सोती, फिर रात और दूसरे दिन जब बच्चों को स्कूल छोड़ कर आती हूँ ना 8 बजे, तब मेरा सोना होता है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो हिम्मत नहीं होती है व्लॉग बनाने में, आपको पता है बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से। और अभी जो है मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ, बहुत दिन हो गए, मेरे जो देखने वाले हैं वो व्लॉग जो मेरा शौक से ही देखते हैं, लाइक तो नहीं करते पर ये है कि देखते हैं व्लॉग, तो मैंने कहा चलो उनके लिए छोटी सी व्लॉग बनाई जाए। और अभी अम्मी के घर माशाल्लाह भी लाइट आई है, मैंने काम वगैरह कर लिया था, और अभी जो है वो अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और अभी ये ना अभी खाना वाना खाएँगे, तो अभी जो है इस वजह से मैंने कहा चलो आप लोग से कुछ बातें कर ले, काफ़ी दिन हो गए। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और रोज़ा खोलने जो है ना, रोज़ा खोलने के बाद क्या लाइट चली गई और 2 घंटे जो है वो रेस्ट करा। अभी मैंने जो है जस्ट अभी अम्मी को किचन वगैरह साफ़ किया, और मैंने कहा चलो भैया आज हिम्मत करते हैं ब्लॉग बना, अम्मी के घर आई तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं, और मंडे से जो है वो क्या पता जो है वो मंगल से शायद छुट्टियाँ हो जाए स्कूल की, तो इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं बनती, और सॉरी हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग शेयर कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा जो है वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने थे, मुझे रेसिपी अब काफ़ी शेयर करनी थी। चलो कोई बात नहीं, अब काफ़ी दिन बाद व्लॉग आया है तो लाइक कर देना प्लीज़, बस मेरी यही रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि लाइक कर दिया करो वीडियो को। हाँ, और अभी मेरे चैनल का भी जस्ट एक दूसरा मसला हो गया है, वो है मसला पता नहीं क्या है, अभी मेरे जैसे ही 100 व्यूज़ हो जाते थे तो ब्रेक आ जाती थी, अभी ब्रेक भी नहीं आ रही मेरे चैनल पर, इस वजह से मैं काफ़ी जो है वो परेशान हूँ। और YouTube से जो है वो मुझे मैसेज जैसे वहाँ से आया, तो वहाँ मैसेज जो आया है वो जिसे मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ उसको जो है वो वहाँ से बंद कर दिया है मेरे चैनल पर, कुछ मसला हो गया है इसलिए मुझे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। तो आप लोग कोई कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आगे क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिसकी है जिसे जो यूट्यूबर है वो ही कर सकते हैं, उनको ही पता होगा कि किस तरह होता है, या कुछ जो शॉर्ट पर काम करते होंगे, ठीक है मेरे शॉर्ट की वजह से मेरे चैनल में कुछ मसला हो गया है, अब देखते हैं कि भाई क्या होगा चैनल का।
जो इतनी मैंने मेहनत की है, पता है अगर मैं दूसरा चैनल भी बनाऊंगी तो उसमें भी वही बात है कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें मैंने इतनी मेहनत की है और 1.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। बस अभी अल्लाह कि जो मर्ज़ी होगी, और आगे मैं दूसरा चैनल सोच रही हूँ बना लूँ। पर वही बात है कि दूसरे चैनल के लिए मुझे इतनी ज़्यादा ही कुछ करना, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ही कुछ हो पाएगा। तो अब अल्लाह मालिक है, अब देखते हैं क्या कोई जैसे कहते हैं कि 2 साल में हो जाता है और कुछ करवाना भी पड़ता है चैनल को, तो वो भी मैं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी मेहनत से करूँ। सब देखते हैं अल्लाह मालिक है, चैनल की प्रमोशन होती है या कुछ। मुझे जो है वो सब इतना सा जो है वो अब इतना दूर है जहाँ मुझे जाना है, वो वहाँ मैं नहीं जा सकती, काफ़ी दूर है। और भाई के साथ जाना और कोई है नहीं, बाकी सब जो है अपने अपने घर वाले, तो मैं किसके साथ जाऊँ। ऐसे तो भाई मुझे मना नहीं करते, ठीक है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल जो है वो चलता रहे, और आप लोग जो है वो ये दुआ करें कि मेरा चैनल आगे हो जाए। तो इस वजह से भी और काफ़ी दिन तो फाइनली मैं सब्जी बना रही हूँ खाना, और लाइट जो है अभी जाएगी, और मेरा फेस कितना डल हो चुका है, हल्के बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बहुत ही इस बार रमज़ान की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी। तो इस वजह से और अभी जो इस साल जो टफ लगा ना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों की स्कूल की वजह से नींद नहीं हो पाती, ठीक है। और बच्चे भी जो है वो दिन में नींद करके और आराम कर लेते हैं, पूरी रात ऐसे जैसे मैं जो है रमज़ान में मेरी आदत है शुरू से ही मैं सोती नहीं हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे सहेली ने क्या है कि थोड़ा बहुत 12 बजे तक जो है वो काम करो। और आपको पता है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है मास्क पहनकर, और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इचिंग होती है, ख़ारिश वगैरह। तो अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। मास्क में वैसे भी मास्क ही पहनती हूँ, पहले मैं जो है वो मास्क से अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है फेस पर, और यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत ख़ारिश हो जाती, तो इसलिए बार बार मैं इसे करती रहती हूँ। तो इसके लिए इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और अभी जो है वो अम्मी बना रही है खाना, अब देखते हैं खाने में क्या बना रही है अम्मी। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ लोग शेयर कर दूँ, क्योंकि 6 डे हो चुके हैं, आज 6 दिन हो गए, पता नहीं कैसे 6 दिन निकल गए। मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा कोशिश की, और अभी जो है वो मेरे थोड़े बहुत जो आपको पता है मेरी शॉपिंग भी जो है वो कम्प्लीट नहीं हुई अभी तक, अभी शॉपिंग भी जो है वो करनी है। अभी बच्चों की भी जो है मैंने आधी शॉपिंग की थी, और आधी मेरी तो कुछ भी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अब जाऊंगी थोड़ा बहुत ही ले लेंगे भाई, इतना ज़्यादा मुझसे बाजारों के काम। रमज़ान की शॉपिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और थकन हो जाती है, आपको पता है घर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। तो जैसे ही रोज़े के बाद बाजार जाते हैं, फिर घर पे सैरी का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को देखना। तो इंशाल्लाह अब जाऊँगी, और अभी जो है वो मेरी बहन भी फ्री हो जाएगी, तो इंशाल्लाह देखते हो मेरे लिए जो है वो शॉपिंग करने में नहीं गई। बच्चों के लिए भी जो है वो अभी आधे कपड़े ही मैंने जो है वो थोड़े बहुत ले लिए थे, अभी थोड़ी बहुत बच्चों की भी तैयारी रह गई। मैंने कहा जितना हो गया बच्चों की उतना काफ़ी, और मेरे लिए भी जो मैंने कहा आप लोग जो है वो मुझसे बोर ना हो जाए, इस वजह से कि ये तो बहुत ज़्यादा भाई बातें करती है। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। मैंने कहा चलो आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं किस वजह से व्लॉग में नहीं आ रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, बस आप लोग जो है वो मेरे चैनल का जो है वो मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है कि वहाँ से क्यों बंद कर दिया है यूट्यूब वालों ने, और इतनी ज़्यादा मुझे चैनल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों किसी को है तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। चैनल बनाना जो है वो अब देखते हैं चैनल बनाते क्या, और मेरे मोबाइल जो है ना उसका भी मसला है, और अभी मैं मोबाइल नहीं ले सकती। आप लोग बताएं मोबाइल कितने ज़्यादा महंगे हैं, और मोबाइल मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सिर्फ स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल है, और जो है वो मैंने हालाँकि मैंने सारी चीज़ें जो है इसमें से हटा दी है, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं रखनी थी वो भी हटा दिए, और जो है वो बस ये सारी बातें थी। और बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि सब की जो है वो परेशानियाँ दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए बस आज का व्लॉग करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में छोटी सी, और अब देखते हैं कल मैं अम्मी के घर यहीं पर हूँ, अगर कल इंशाल्लाह व्लॉग बना पाई तो आप लोग से शेयर करूँगी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कॉन्टेक्ट जो है वो बनाकर ही रखूँ, बट जो है वो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो थोड़ा सा वीक हो ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो इंसान, या आखिर कितना जो है वो इंसान जो है वो कितना चलेगा,
ठीक है, हमारे ऊपर ही जो है वो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, सब पर होती रही, सब लेडीज करती है, इनके मैं करी हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, करी सभी करती है। अल्लाह पाक सब माओं को जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और सेहत तंदुरुस्ती, देख रहे हो अम्मी अभी तक बेचारी करती हैं। अभी मैंने अम्मी के घर में आती हूँ, मैं सारा काम अम्मी को करके दे देती हूँ, सिर्फ किचन में जो है ना खाना बनाने का काम मैं नहीं करती और अम्मी के हाथ का ही नाश्ता खाती हूँ। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, अपने बच्चों को भी जो है वो मैं खिला देती हूँ, मगर मुझे अम्मी के हाथ का नाश्ता ही चाहिए। जब तक अम्मी किचन में नज़र नहीं आती ना, मुझे मज़ा नहीं आता। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती अदा करे, इंशाल्लाह ईद के लोग भी आएंगे, कोशिश पूरी होगी और मैं घर पर जाऊंगी तो भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूं और ब्लॉग आप लोगों के साथ डेली डेली शेयर करती रहूं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक प्लीज़ कर दिया करें। और अभी जो है वो लाइट जाने का टाइम है, तो मेरा चलो ब्लॉग को एंड करते हैं और लाफिस करते हैं और ये ब्लॉग आपके पास आ जाएगा। अभी मैं जो है वो लाइट जाएगी और फिर अपलोड वगैरह कर दूँगी। और अभी भी लाइट जो है वो 1 बजे आए 12 बजे आए, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, किसी भी टाइम जो है वो लाइट धोखा दे सकती है, सारे काम आपके रुक सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज का व्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।